हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स आपके ग्रुप सी पोस्ट के लिए जारी की गई है, जिसमें आपके वेरियस वैकेंसीज हैं आपके क्लर्क एलडीसी पोस्ट के लिए, टाइपिस्ट पोस्ट के लिए और आपके ड्राइवर पोस्ट के लिए। इसके लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं, साथ में आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बात करेंगे यहां पर इस वीडियो में एयरफोर्स ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2024 के डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलबीटी कंडीशन के बारे में और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का ये फ्रेंड्स ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024, जिसमें एलिजिबल इंडियन सिटीजन यहां पर अप्लाई कर सकते हैं वेरियस एयरफोर्स स्टेशन या यूनिट के लिए। इसके लिए फ्रेंड्स यहां पर देखिए, सबसे पहले HQ वेस्टर्न एयर कमांड न्यू दिल्ली की जो वैकेंसी है, इसमें पोस्टल एड्रेस आपको दिया गया है। पोस्टल एड्रेस क्या है, जहां पर आपको आपका फॉर्म फिल करके यहां पर सेंड करना होगा। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए कौन कौन सी वैकेंसी है, जैसे एलडीसी है, हिंदी टाइपिस्ट है, या आपके यहां पर ऑर्डिनरी ग्रेड ड्राइवर की वैकेंसी है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, किस कैटेगरी की वैकेंसीज है, वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वेस्टर्न एयर कमांड में जो वैकेंसी है वो आपके टोटल यहाँ पर जारी की गई है 30 वैकेंसी। इसके बाद है HQ ट्रेनिंग कमांड, इसके अंतर्गत जो वैकेंसीज आपके यहाँ पर है वो आपके 39 वैकेंसीज आपके इस यूनिट में जारी की गई है। HQ मेंटेनेंस कमांड के अंतर्गत जो वैकेंसीज है वो आपके टोटल यहाँ पर 43 वैकेंसीज हैं। HQ सेंट्रल एयर कमांड में आपकी यहां पर 8 वैकेंसी जारी की गई है। HQ एयर कमांड जो है, ईस्टर्न एयर कमांड, इसमें आपकी यहां पर 21 पोस्ट है। जो आपका एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस न्यू दिल्ली है, इसमें आपकी 24 वैकेंसीज हैं आपके एलडीसी पोस्ट की। इसके बाद आपका फ्रेंड्स जो आपका एयरफोर्स स्टेशन रेस कोर्स है न्यू दिल्ली का, इसमें आपके यहां पर टोटल 8 वैकेंसीज है। और इसके बाद जो एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस है उसके लिए आपके यहां पर टोटल 9 वैकेंसीज है। तो आपको यहां पर यूनिट वाइज और डिसिप्लिन वाइज जो वैकेंसीज है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए, जो एज लिमिट है वो रहेगी 18 से 25 साल, और ये जो एज लिमिट है ये लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, जो फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट है उस डेट पर आपका यहां पर काउंट किया जाएगा। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको अपर एज में छूट मिल जाती है, जैसे ओबीसी को 3 साल की, SC ST को 5 साल की, PH कैंडिडेट को 10 साल की। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या रहेगा, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है एलडीसी पोस्ट के लिए या आपका हिंदी टाइपिस्ट पोस्ट के लिए, आपका फ्रेंड्स यहां पर 12th क्लास पास आउट होना जरूरी है, मतलब 12वीं क्लास पास आउट होना आपका यहां पर जरूरी है। इसके अलावा जो स्किल टेस्ट नॉर्म्स है वो आपको दिए गए हैं कंप्यूटर पर। सबसे पहले है इंग्लिश टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग जो होगी उसमें 35 वर्ड पर मिनट आपकी जो स्पीड होनी चाहिए, या आपका हिंदी टाइपिंग जो है वो 30 वर्ड पर मिनट आपकी यहां पर होनी चाहिए। तो अगर आप एलडीसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं या आप हिंदी टाइपिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, साथ में इंग्लिश टाइपिंग या हिंदी टाइपिंग आपको इसकी जो है नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि स्किल टेस्ट आपका यहां पर कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है आपकी सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की वैकेंसी। यहां पर देखिए मैट्रिकुलेशन पास आउट होना आपका जरूरी है, साथ में फ्रेंड्स आपके पास वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि लाइट एंड हैवी व्हीकल का हो। इसके अलावा आपके पास फ्रेंड्स ड्राइविंग की नॉलेज और मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज होनी चाहिए, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस आपका यहां पर रिक्वायर्ड रहता है इस पोस्ट के लिए। तो अगर आप ड्राइवर के लिए आवेदन करते हैं तो 10th प्लस में फ्रेंड्स आपके पास हैवी और आपका लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर दिया गया है आपको मोड ऑफ सिलेक्शन, मतलब इस वैकेंसी के लिए आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले यहां पर कहा गया है, जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर पहुंचेंगे उनको फ्रेंड्स एज लिमिट के बेसिस पर, क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट के बेसिस पर एलिजिबल कैंडिडेट को कॉल लेटर इशू किया जाएगा रिटर्न टेस्ट के लिए। जहां पर फ्रेंड्स एलिजिबल कैंडिडेट को अपेयर होना होगा रिटर्न टेस्ट के लिए, जो कि फ्रेंड्स यहां पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे रहेगा। पहला जो है एलडीसी या हिंदी टाइपिस्ट, इसमें देखिए आपको जो टॉपिक है वो है जनरल इंटेलिजेंस का। सेकंड टॉपिक रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का।
तीसरा है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का और चौथा है जनरल अवेयरनेस का, जिससे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पूछे जाएंगे। अगर आप यहाँ पर ड्राइवर पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके देखिए जनरल इंटेलिजेंस, इसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज, आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और उसके बाद ट्रेड या पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आपके ड्राइवर और आपके मोटर मैकेनिज्म की जो नॉलेज होती है, ड्राइविंग की जो नॉलेज होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको अवेलेबल रहेगा और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को स्किल या फिजिकल या प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रिटन टेस्ट में जो वेंटेज है वो 100% है और जो स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट डेट आपको बताई गई है, लास्ट डेट जो है वो है 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो यहाँ पर जो आपका नोटिफिकेशन है ये वाला, इसका पब्लिकेशन होगा 3 अगस्त 2024 को। तो 3 अगस्त 2024 से 30 दिनों तक आप इस फॉर्म को अप्लाई करके सेंड कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पर कहा गया है एलिजिबल कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपको आपका एयरफोर्स जो स्टेशन है जो ऊपर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस करना है जिसमें भी आप आवेदन करना चाहते हैं। इसके लिए जो आपको फॉर्मेट दिया गया है वो इंग्लिश या हिंदी में आप टाइप करवाएंगे, साथ में आपके सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स, आपके फ्रेंड्स जो भी आपका एयरफोर्स स्टेशन है उस पर फ्रेंड्स 30 डेज के अंतर्गत पहुंच जाना चाहिए। कौन सा स्टेशन, तो आप यहां पर आते हैं तो यहां पर जो आपको ये एड्रेस दिया गया है, ये पोस्टल एड्रेस जो आपको दिए गए हैं, इन एड्रेस पर आप किसी पे भी आप इसे सेंड कर सकते हैं 30 डेज तक। इसके अलावा आपके जो भी सपोर्ट में डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, एज सर्टिफिकेट है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, पीएच कैटेगरी सर्टिफिकेट है या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये आपको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको यहां पर सेंड करने होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर देखिए इंग्लिश या हिंदी में आपको टाइप करवाना होगा, रिसेंट फोटोग्राफ जो कि सेल्फ अटेस्टेड हो, आपके डॉक्यूमेंट्स और साथ में सेल्फ एड्रेस का एनवलप जिसपे 10 रुपए का जो पोस्टल स्टाम्प है वो आपका लगा होना चाहिए। और आपको यहाँ पर कहा गया है सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट, तो आप केवल हर एक पोस्ट के लिए, जितनी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उन पोस्ट के लिए आपको हर एक पोस्ट के लिए अलग से फॉर्म को अप्लाई करना होगा। एनवलप जो आप सेंड करेंगे उस पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और आपकी कैटेगरी मेंशन करना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको सेंड करना जरूरी रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आने पर यहाँ पर दिया गया है परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, एलडीसी के लिए, आप हिंदी टाइपिस्ट के लिए, ड्राइवर के लिए और किस यूनिट में कर रहे हैं वो जानकारी आपको देनी होगी। इसके बाद किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर आपको देना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट देना है, फादर नेम देना है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपको यहां पर देना होगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर एंटर करना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर। इसके बाद आपका एज क्राइटेरिया लास्ट डेट पर आप काउंट कर यहां पर मेंशन करेंगे, आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस मेंशन करना है, आपका कास्ट कौन सा है, क्वालिफिकेशन कौन सी है, एक्सपीरियंस कौन सा है, किस पोस्ट में आप आवेदन यहां पर कर रहे हैं वो जानकारी आपको देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपके पास कोई टेक्निकल ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस है वो देना है, आपका डोमिसाइल कहां का है वो आपको देना होगा, अगर आप यहां पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर हैं तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। ये आपके ऑफिस रिकॉर्ड के लिए रहेगा, तो आपको यहां पर कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं होगी। यहां पर देखिए आपको पोस्ट का नाम देना है, नाम देना है, फादर नेम देना है, आपका एड्रेस देना है और इसके बाद आपको यहां पर आपकी फोटो लगानी है सेल्फ अटेस्टेड, और दिए गए एड्रेस पर आपको इसे सेंड करना होगा। एड्रेस कौन सा है तो वो आपको स्टार्टिंग में ही यहां पर देखने को मिल जाता है, पोस्टल एड्रेस, और यूनिट कौन सी है तो यूनिट के नेम आपको यहां पर देखिए इस तरह से देखने को मिलते हैं, जो भी आपको यहां पर दिए गए हैं जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं।